हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू उमा टॉक्स एंड यस अगेन थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग बट अगेन आई वॉन्टेड लार्ज नंबर्स बट स्टिल वॉट एवर इट इज थैंक यू सो मच. सो फ्रेंड्स, टूडेज टॉपिक आई वॉज जस्ट थिंकिंग वॉट टू डू बिकॉज आई डिडंट गेट एनी मैसेज फ्रॉम यू. सो आई थॉट वाई नॉट अटैचमेंट बिकॉज द टाइम्स आर रियली टफ. Okay, COVID times, attachment and love. ठीक है. So many of the times this is mistaken. ये mistake हो जाता है. हम सोचते हैं कि attachment तभी होता है जब love है, और love है तो attachment होना ज़रूरी है. But what I feel is attachment and love दोनों अलग अलग चीज़ है. ठीक है. अटैचमेंट होता है हमको, ज़रूरी नहीं है कि हम उसको मेजर करें लव से. और अटैचमेंट हमारा इट इज़ नॉट अ मेजर ऑफ लव. ठीक है. तो अगर हम अटैचमेंट बोलते हैं तो अटैचमेंट बिल्कुल इन्फैचुएशन टाइप नहीं होनी चाहिए कि कुछ भी हो हम लिमिट्स को क्रॉस करके, वो दैट इज़ नॉट अटैचमेंट अकॉर्डिंग टू मी. वॉट आई फील इज़ अगर हम सामने वाले की भलाई सोचते हैं और उसके हक में फैसला लेते हैं तो दैट इज़ वॉट इज़ अटैचमेंट. ओके. जैसे कि हम आज के डेट में देखते हैं कि काफ़ी सारा ये बीमारी के बाद लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं, लेकिन फैमिली में इतना ज़्यादा बॉन्डिंग और इतना ज़्यादा अटैचमेंट है कि उनको अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, यानी किसी काउंसलर के पास जाना पड़ता है, और वो काउंसलर उनसे अटैच नहीं होता है. तो वो काउंसलर उनको सही बोलेंगे, शोज द वे, गिव्स द करेक्ट डायरेक्शन, और उनका जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकालता है. जबकि फैमिली वाले केवल उसके तरह ही सोचते हैं. तो ये एक है. और दूसरा है कि हम ब्लाइंडली तो नहीं चल सकते. अटैचमेंट ठीक है, अटैचमेंट इज व्हेन, एज आई टोल्ड यू पहले, कि अटैचमेंट तब है कि हम किसी से प्यार करते हैं और हम उसकी भलाई की सोचते हैं. ये नहीं कि वो जो बोलता है हमको भी वही सोचना है. और ऐसा भी नहीं है कि उसकी थॉट और हमारी थॉट एक जैसी है. जैसे बच्चे बहुत बार सुबह, जैसे मेरे भी बच्चे, तो सुबह भी मम्मा जल्दी जगा देना, तो जल्दी जगा देना. अब सुबह अगर उनको उठाओ, आके उठाओ, तो वो कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं उठना है. तो तुमने कल बोला था, अरे मम्मा यू लव मी, नो तो अभी छोड़ दो अभी. तो लव मी और ये, मतलब अगर हमसे प्यार, आप हमसे प्यार करते हो तो हमको नहीं उठाओ, या आप हमसे प्यार करते हो तो हमको ये चीज करके दो. तो ये नहीं, फिर वहां पे अटैचमेंट तो है, बिकॉज ही इज माय चाइल्ड, ही इज माय सन, आई हैव गिवन हिम बर्थ. बट यहाँ पे क्या है कि हमको सोचना होगा कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, बजाय कि हमको ये सोच के कि क्योंकि हम उससे प्यार करती हूँ तो वो जैसा सोचता है कि उसको सोने दे उसको सोने दे. नहीं. सो ये है, अगर ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है किसी भी फैमिली में सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम है, एक साथ बैठ के अपना प्रॉब्लम बताएं, और घर में कोई ना कोई जो सॉलिड थिंकर है, जो सोच रहा है, जो लव और अटैचमेंट को एक साथ लेके नहीं जा रहा है, वो सॉल्यूशन निकालेगा, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह लेगा. आई होप आई एम क्लियर. आई डोंट नो कि ये बात कहाँ तक पहुँच रहा है, बट अटैचमेंट नॉर्मली वॉट आई फील, लव इज़ ब्लाइंड, जैसा बोलते हैं कि लव तो सोचने समझने की शक्ति को ही गुल कर देता है, तो लव इज़ ब्लाइंड ही बोलते हैं. और बहुत बार लव में फेल भी होते हैं, बहुत बार लव में सक्सेसफुल, आई डोंट नो, फेलियर सक्सेसफुल जो भी है, तो वो है. और अटैचमेंट तो किसी से भी होता है. ओके. सो अटैचमेंट इज व्हेन वी थिंक गुड अबाउट जो भी हमसे क्लोज है, जो भी हमसे दूर है. ओके. और क्योंकि आज के डेट में लव तो बहुत है, ये अटैचमेंट की जो लॉजिक है, जो मैं कह रही हूँ, वो धीरे धीरे गुल होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, निम्न होता जा रहा है. ओके. और जिसके कारण हमको बाहर लोगों को ढूंढना पड़ता है. जैसे कि हम किसी प्रॉब्लम में है, बच्चा किसी प्रॉब्लम में है, तो घर वाले उसको नहीं समझ पाएंगे, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो बाहर किसी को ढूंढता है उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए.
तो घर से बाहर निकलना पड़ता है, और अगर हम घर में ही मेंटली स्ट्रांग हो जाएं, हर कोई सही सोचे, तो हम सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन घर पे ही लेके आ सकते हैं. एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल ऑल माय व्यूअर्स, ऑल माय स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एवरीबॉडी, कि अभी जो टाइम चल रहा है, और बहुत सारे लोग कोविड से सफ़र भी कर चुके होंगे, और बहुत सारे लोग ने खोया होगा अपने बहुत क्लोज लोगों को, बट देन हमको वी हैव टू फेस दिस सिचुएशन वेरी बोल्डली. वी हैव टू वॉक जो उन्होंने हमको अच्छे रास्ते दिखाए हैं, उनको याद करते हुए उन रास्तों पर चलना है, उनको याद करना है, और एक अच्छा इंसान बनना है. बस वही कह सकते हैं, क्योंकि संतावना और ये सब के लिए तो कोई शब्द ही नहीं बचा. क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं था जो बहुत बीमार था और उसकी डेथ हो जाती है. लोग अच्छे खासे रहते हैं और बीमार पड़ते हैं, एंड सडनली वी कम टू नो दैट ही इज़ नो मोर. सो इट्स रियली वेरी वेरी सैड, बट स्टिल एट दिस मोड, एट दिस जंक्चर, मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे अटैच रहें. और अटैचमेंट, मैं पहली वाली वीडियो में भी बोला था कि अटैचमेंट वही होता है जब हम किसी की केयर करते हैं, जब हम उसकी तरह नहीं सोचते हैं, मतलब उसके अंदर घुस के नहीं, वो जैसा सोचता है वैसा ही नहीं सोचते हैं, कुछ अपनी थॉट्स भी रखते हैं, और किसी की भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ऐसे बहुत लोग होंगे आपके आसपास भी, सोसाइटी में भी, जो आपके आप किसी भी प्रॉब्लम को लेके जाओ और चुटकी में उसका सॉल्यूशन दे देते हैं. तो वैसा बनने की कोशिश करें हम सब, और इसी मोड पे आई वुड लाइक टू एंड. सो इफ़ यू हैव सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो विद पीपल. एंड नॉट सब्सक्राइब, जो नए हैं चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड डू कमेंट, प्लीज़ कमेंट. ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच.